बिहार का मोतिहारी उस वक्त दहल गया जब कुछ लोगों ने दनादन गोलियां चलाई और जमकर ईंट पत्थर और लाठियां भांजी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर दो गुटों में बवाल मचा होगा। कमाल की बात तो यह है कि ये तस्वीरें किसी सामान्य परिवार से नहीं बल्कि पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की बेटी के घर की हैं, जहां वो खुद रहती हैं। और बवाल की वजह भी यही बताई जा रही है कि वो बाहुबली की बेटी हैं। मोतिहारी उस वक्त शहाबुद्दीन के आतंक से दहल गया जब यहां खूनी संघर्ष हुआ। लोगों का दावा है कि यहां 20 से 25 राउंड फायरिंग भी हुई। दरअसल पूरा मामला दो पक्षों में जमीनी विवाद का है। एक पक्ष के घर में शहाबुद्दीन की बेटी की शादी हुई है तो वहीं दूसरा पक्ष भी शहाबुद्दीन के समधी का भाई है। लोगों का दावा है कि सिवान से कुछ लोग गाड़ियों में भरकर आए और घर में चल रहे काम को रोकने लगे। उनको जमीन के कागजात भी दिखाए गए, फिर भी उन लोगों ने मारपीट की। सिवान से 40 गाड़ी आदमी आया था यहाँ पर। इतना पथराव किया है कि घर में घुस घुस करके मारा है पत्थर से। हम लोग तो मारने का कोई ज्यादा नहीं था। यहाँ उनका जो सिपाही है हथवा है, हथवा देखिए पूरा खड़ुआ ईंटा देखिए मारते हैं, खून खून गिरा हुआ है। हम उधर तक रहे हैं, पीछे से मारा है, वैसे घुमा करके मारा है। यहाँ पर हमारा 7-8 गोटा लगा हुआ है। यहाँ पर जो ये हमारा मार्केट है, हमारा नक्शा पास है, हमारा सब चीज़ कट रहा था, हम अपना काम करा रहे थे। तो सिवान से कुछ लोग आए हैं, ठीक ना, और कहे हैं आप हमारे रिश्तेदार, हमारे बड़े पापा के संबंधी हैं शहाबुद्दीन साहब, ठीक। वो जो है उनके लोग आए हैं, बैठे हैं कि पेपर समझ लिया जाए तो काम कराया जाए। हम कहेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं, हम गलत नहीं, तो आप लोग से डरेंगे क्या? आप आइए, हमारा काम, हमारा जो काम है उसमें आप वहाँ से वहाँ नपवा लीजिए, हमारे अमीन है नाप के, और ये कराइए। यहाँ से वहाँ तक देखिए खूंटा हला हुआ है। यहाँ देखिए आप, सूता गिरा होगा, खूंटा हला हुआ है। जैसी भी आया, हम कोड़ रहा था, हम कुछ नहीं किए, हम लोग कोई देखिए जैसी भी को टच भी नहीं है, ठीक। फिर यहाँ से वो लोग वहाँ गेट पर खूंटा हलवा के आया है, कहाँ दीवार गिराने जा रहे हैं। हम लोग कहेंगे दीवार नहीं गिरेगा। तब तक ये लोग फायरिंग शुरू किया है, मोहल्ला तक फायरिंग किया, सीसीटीवी फुटेज भी है, और फिर पीछे उधर जाके फायरिंग किया लोग। मैं घर में फायरिंग किया, हमारे ऊपर 4 फायरिंग किया हुआ। लगभग कितना फायरिंग किया हुआ? लगभग हुआ यहाँ ईटा पत्थर भी चलाया, हम दिखा रहे हैं, आप आइए हमारे साथ। लगभग 25-30 फायर हुआ है। पुलिस ने FIR कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर हुआ है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। शाम में कल टाउन थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुआ कि दो भाई, सहोदर भाई, उनके बीच में एक जमीन विवाद का मामला है। तो बड़े भाई के परिवार की तरफ से उनके द्वारा बताया गया कि पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया गया, छोटे भाई के द्वारा बताया गया कि बड़े भाई की तरफ से कुछ लोग सिवान से आए थे, क्योंकि वो उनके परिवार के घर में हैं, उनके समधी हैं उनके घर में। तो उनके वहाँ से कुछ लोग आए थे और जमीन को नापी के समय जब उन दोनों के बीच में विवाद हो गया, इस बीच में गाड़ी में तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं हुई हैं। आवेदन प्राप्त हुए हैं, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आवेदन दोनों पक्षों से प्राप्त हुए हैं। फिलहाल हम लोग प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं और 3 गाड़ी जो है मौके पर से और 1 JCB और 1 व्यक्ति को तत्काल रूप से हिरासत में लिया गया। फुटेज के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। फिलहाल 6 नामजद अभियुक्त और अन्य अज्ञात भी हैं। इसमें हम लोग फुटेज के आधार पर पहचान कर रहे हैं कि कौन कौन लोग थे उस घटना में। उन लोग सभी लोगों के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस घटना से पूरा मोतिहारी सहम गया है। जहां एक ओर दिवंगत पूर्व सांसद का आतंक जिंदा है, तो वहीं उनका पुत्र ओसामा भी उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। पूरे मामले में ओसामा और शहाबुद्दीन की बेटी का नाम सामने आ रहा है।